नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट है आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ यूपी एनएचएम द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे आ चुका है जो पोस्ट यहाँ पे जो शामिल की गई हैं 1800 सौ यहाँ पर रहेंगी एक पोस्ट पर सरकारी भर्ती का विज्ञापन यहाँ आ चुका है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना है किस तरीके से अप्लाई करेंगे लास्ट डेट क्या रहेगी पोस्ट वाइज कितनी का वैकेंसी यहाँ पे शामिल की गई हैं एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन और सैलरी पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और अप्लाई किस तरीके से करना है सारे इंस्ट्रक्शंस निर्देश मैं आपको आप रीड करके बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है इस वीडियो को आप लाइक कर देना है लाइक करें इस वीडियो को इस मेहनत को लाइक ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है कोई भी सवाल है आप सभी लोग हम सब पूछ सकते हैं और वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो नीचे के नीचे जाएं सब्सक्राइब कर रेड बटन को आप पर क्लिक कर लें और नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपने सरकारी भर्ती के विज्ञापन की ओर तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनएचएम उत्तर प्रदेश यहाँ पे हेडिंग दी गई है और ये जो वैकेंसीज़ हैं नर्सिंग प्रोफेशनल्स कैंडिडेट्स के लिए हैं और एक हज़ार आठ सौ पोस्ट यहाँ पर रहेंगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की इसके लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ चुका है रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी और इसके लिए आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना है और अठारह सौ जो पोस्ट यहाँ पर जो निकाली गई हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे रहेंगी कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट ये रहेगी यू पी एन आर एच एम डॉट जी ओ वी डॉट इन तो इसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तेरह मार्च दो हज़ार इक्कीस सुबह के बारह बजे से जो है यहाँ पे ये यह फॉर्म बना पे शुरू हो चुके हैं और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस रात के बारह बजे तक आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही कम समय आप सभी लोग को यहाँ पे दिया गया है मात्र छः दिनों के अंदर ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है छः दिन है आप लोग अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर बी नर्सिंग वाले हैं और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले हैं यदि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है और क्वालिफ़िकेशन के साथ अगर आपके पास यहाँ पे सी का सर्टिफिकेट है कहने वाली बात है बीएससी सी सी एच एन का और पोस्ट बेसिक सी सी एच एन का कोर्स है तो बिल्कुल अप्लाई करें और उत्तर प्रदेश राज्य का नर्सिंग काउंसिल का और मिडवाइफ़ का काउंसिल का अगर आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों देखिए आप लोग रजिस्ट्रेशन की स्लिप भी आप लोग सेल्फ अटेस्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेटर से दोस्तों यहाँ पे देखिए तीन महीनों का समय आप सभी लोग का यहाँ पर दिया जाएगा आप लोग उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल में आप लोग अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लेना अगर आप लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी जो भी आपके यहाँ पर उम्र है पैंतीस साल से ज़्यादा ना हो और एक जनवरी दो की स्थिति में आपकी जो उम्र है पैंतीस साल से ज़्यादा यहाँ पर ना हो अब बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज की तो देखिए आपको फाइनली जब भी अपॉइंटमेंट मिलेगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसीज हैं जैसे कि मैंने आपको बताया बीस हज़ार पाँच सौ रुपये पर मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पर तनख्वाह दी जाएगी इसके साथ साथ पंद्रह हज़ार रुपये का आपको परफॉर्मेंस के आधार पे भी इंसेंटिव मिलेगा इसके लिए आप लोग जो है एक बॉन्ड साइन करेंगे श्योरिटी बॉन्ड आपको यहाँ पे साइन करना होगा ढाई लाख रुपये की राशि इसके यहाँ पर रहने वाली है सौ रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे जो है आप लोग ये बॉन्ड यहाँ पे साइन करेंगे जिसमें ये उल्लेख रहेगा कि आप लोग सब हेल्थ सेंटर्स में एच डब्ल्यू सी लेवल्स पर आप लोग अपना तीन साल के लिए कार्य करने वाले हैं आप लोग अपने यहाँ पे ज्वाइनिंग लेंगे तो इसके लिए आप लोग अपना यहाँ पे बॉन्ड साइन करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट बता दी गई है इसके माध्यम से सबमिट करना है आपको अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उत्तर प्रदेश में जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं इसके अंतर्गत यहाँ पर रहेंगी सब्जेक्टेड यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं और यहां पे दोस्तों देखिए आप सभी लोग को बताया जा रहा है लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट्स विल बी ट्रीटेड अंडर द कैटेगरी तो वाले जितने भी कैंडिडेट हैं अदर स्टेट्स के हैं तो दोस्तों देखिए आपको यहां पे अनडिजर्व कैटेगरी में यहां पे रखा जाएगा कहने वाली बात है अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर आप लोग यहां पे अप्लाई करेंगे तो अनडिजर्व कैटेगरी में आपको यहां पर ट्रीट यहां पर किया जाएगा और दोस्तों यहाँ पे देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य के हैं और रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी उपलब्ध आपको यहाँ पे कराना है और इसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी इनकम्प्लीट आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ना हो और आप लोगों को पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको यहाँ पे भेज देना है फ़ोटोग्राफ आपके डॉक्यूमेंट्स ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे भेज देनी है सही सही और दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी भी स्टेज पे यूपी एनएचएम को यहाँ पे अधिकार है कहीं पे ये वैकेंसीज़ को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं भी यहाँ पे चेंज यहाँ पे कर सकते हैं जो भी फाइनल डिसीज़न है एन एच एम यू पी के अंतर्गत यहाँ पे रहेगा दोस्तों देखिए बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की क्वालिफिकेशन की जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ बी एस सी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बी एस सी नर्सिंग और सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज का अगर आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट है कोर्स है तो बिल्कुल अप्लाई करें अब दोस्तों बात करते हैं मेरिट लिस्ट आपके यहाँ पे किस तरीके से बनेगी तो दोस्तों देखिए मेरिट लिस्ट के लिए आपको यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन है उसी के आधार पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया जाएगा कोई भी आपका यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है कोई भी आपका यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा और एन मध्य प्रदेश की जितनी भी जानकारी है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर दी जाएगी नंबर ऑफ वैकेंसी अगर यहाँ पे बढ़ाई गई यहाँ पर कम की गई कुछ ना कुछ यहाँ पर संशोधन यहाँ पर किया जाता है तो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड यहाँ पर करा दी जाएगी तो जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर आवेदन करें मात्र छः दिन आपके पास यहाँ पे उपलब्ध है तेरह मार्च से ये फॉर्म बनाए यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस तक जो है रात के बारह बजे तक आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं लाइक करें इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें इस मेहनत को लाइक जरूर करें कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है कोई भी सवाल है आप सब लोग हमसे आप पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और भी वैकेंसीज की जानकारी मिलती रहेंगी तो वीडियो के नीचे जाएं सब्सक्राइब के रेड बटन को आप क्लिक कर लें यूपी एनएचएम द्वारा स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे भी पात्र मिलता है अगली वीडियो में थैंक यू सो मच